नमस्ते किसान। बहुत सारे किसान प्रेमी हैं जो बलराम किसान से जुड़े हुए हैं, किसान पाठशाला से जुड़े हुए हैं, लेकिन गलतियां करते हैं। उन गलतियों को आप कैसे फाइंड करेंगे, समझिए। मैं इस वीडियो के ट्रैक पर आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने जो केले के प्लांटेशन का तरीका बतलाया है कैसे होना चाहिए और किसान कैसे कर रहे हैं, थोड़ा पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि कहाँ गलती हो सकती है तो कैसे गलती को सुधारें। बलराम जी नमस्कार, मैं सोनू शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। नमस्ते बलराम जी, हमने केला लगाया था 4 जुलाई को, ये है G9 वैरायटी का और 5-7 पे लगा रखा था, तो लाइन से लाइन की दूरी जो थी वो तो 7 फीट है, पेड़ से पेड़ जो है हमने वो 5 फीट रखा है। मित्रों एक चीज समझने सुनने की है, ब्रदर ने अभी बताया है कि लाइन से लाइन 7 फीट है और पेड़ से पेड़ 5-5 फीट है। मैंने किसी वीडियो में ये नहीं बोला है, ठीक है। सुनने समझने की कहीं चूक हो रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और वो आएगा झिकझेक में ऐसा आगे पीछे, ठीक है। सोनू जी ने लगाया सही है, ये हल्का सा बेड है, इसे पाली कहते हैं उत्तर भारत की भाषा में, और उस पर पौधा लगाया सही है, लेकिन ग्राफ 100 गलत है। पौधे से पौधा 5 फीट है, ये आगे जाकर के पौधा तिरछा होगा 7 फीट तरफ फल आने से पहले ही, फिर आपको टेका भी लगाना पड़ेगा, रस्सी भी लगाना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं वही चीज़ बतलाना चाह रहा हूँ, आप वीडियो सुनते हो, देखते हो, अनुसरण करने की शुरुआत करते हो, लगाने के बाद में बात करोगे तो गलती हो गई है, अभी इसको उखाड़ पछाड़ कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करें, अगर आप 100 फॉलो करना चाहते हैं तो लगाने से पहले बात करें। और सोनू जी को सुनते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। अभी स्प्रे के थ्रू ही तो है, हमने वो 5 फीट रखा है और हमने इसमें अभी स्प्रे के थ्रू ही 2 बार स्प्रे करी है, कार्बंडाजीम और मैग्नीशियम सल्फेट और 1919, यही 2 ml के हिसाब से हमने ये अब तक 2 बार स्प्रे कर दी। मित्रों एक चीज़ और मैं बतलाना चाहूँगा, प्लांट अभी बहुत ही छोटा है, किसी भी कंपनी का पौधा हो, हमसे ले रहे हो आप रेवा फ्लोरा का प्लांट या कोई सा भी पौधा लगाया हो या कंद लगाया हो, एक चीज़ समझने की है, छोटे पौधे पर पत्ते नर्सरी से जो आते हैं वह पहले थोड़ा हार्डनिंग होते हैं खेत में जाकर के। पौधा लगाया इन्होंने 2 से 5 जुलाई के बीच में, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, जब तक खेत के जैसे पौधा लगा ना, खेत में लगने के बाद कम से कम 3 पत्ते नहीं आते हैं, जब तक कोई भी स्प्रे करना नहीं चाहिए, उल्टा क्या होगा, प्लांट डैमेज होगा, पत्ता ख़राब होगा। मैग्नीशियम कार्बंडाजीम और 1919 कहीं से कहीं तक किसी एग्रोनॉमिस्ट ने ये बोला ही नहीं है कि पौधा लगते के साथ उसे मैग्नीशियम का और बावेस्टिन और 1919 के कॉम्बिनेशन का स्प्रे करो, किसी टिश्यू कल्चर वाले ने, किसी एग्रोनॉमिस्ट ने, मेरे सुनने में नहीं है कि पौधा लगने के बाद करो। पौधा लगने के बाद आपको तने से थोड़ा 4 इंच दूर जड़ों पर ड्रेंचिंग करना है ताकि भोजन उठाए 1919 और खाकर आगे बढ़े। 28 से 30 दिन की प्रक्रिया में जब आपके खेत में प्लांट के 3 पत्ते आ चुके हों, उसके बाद ही कोई सा भी स्प्रे लेना है जो खेत के 3 पत्ते हों, नर्सरी के ये पत्ते हैं, इसमें अभी अगर कोई सा हार्मफुल फर्टिलाइज़र ज़्यादा चले गया तो ये पत्ते और ख़राब होंगे। और यही मैक्सिमम किसानों से गलतियाँ हो रही है कि पौधा लगाते हैं और स्प्रे चालू करते हैं, ये गड़बड़ी मत करो। लगाने से पहले अगर स्प्रे की आवश्यकता है, पौधा लगाया जा रहा है तो पौधा जिस दिन हमारे पास आया, हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें स्प्रे किया जा सकता है, या पौधा लगाने से एक दिन पहले फफूंदी नाशक का स्प्रे करना है, 15 लीटर पानी में 15 ग्राम कार्बंडाजीम मेनकोजेब दोनों का 2-in-1 फफूंदी नाशक आता है वो, उसको डालो और नर्सरी में, मतलब हमारे खेत में अभी पौधा लगा नहीं, हमारे शेड में रखा हुआ है, शेड में जो पौधा रखा हुआ है उस पर स्प्रे करना है, या 15 लीटर पानी में 30 ग्राम ब्लू कापर और 2 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका घोल बनाओ और स्प्रे कर दो पौधा लगाने से पहले। पौधा लगाने के बाद थैली खुलती है और उसमें वहाँ पर जड़ें हवा खाती है और फिर उसमें सेटिंग आने में थोड़ा सा रुकता है पौधा, जब हम थैली खोलकर पौधा प्लग कर लगाते हैं उसके बाद पौधा रुकता है,
तो रुकने वाली परिस्थिति में पौधे की जो नर्सरी की पत्तियां हैं डल होती है, उस समय अगर आप पत्ते कमज़ोर हो रहे हैं और स्प्रे दे रहे हैं तो गड़बड़ी होगी, गलती होगी, ज़्यादा स्प्रे चले गया तो पत्ते जल जाएंगे। यही उत्तर भारत में 90% हो रहा है, जिन गलतियों को आप किसानों को सुधारना है। लगाते समय स्प्रे मत दो, कम से कम खेत में 3 से 4 पत्ते आ जाएं उसके बाद स्प्रे देना चालू करो। लगाते समय, लगाने के बाद आपको ड्रेंचिंग करना है पौधे के तने से दूर, 7 से 8 इंच पर, 4 इंच पर ड्रेंचिंग करना है भोजन का, ताकि पौधे की जड़ें भगे। सोनू भाई आपसे भी गलती हो रही है, थोड़ा रुको, मत करो। ठीक है, सोनू भाई को और आगे सुनते हैं। और रूट के थ्रू अभी हमने इसमें 2 ml के हिसाब से हमने ये अब तक 2 बार स्प्रे कर दी है जी, और रूट के थ्रू अभी हमने इसमें कुछ नहीं दिया है। तो एक जो आपका वो सिस्टम आता है ना सर, BFS, हाँ जी, बैलेंस फर्टिलाइजेशन सॉफ्टवेयर, हाँ जी, सॉफ्टवेयर जो है आप हमारा उसमें रजिस्ट्रेशन करा दें सर। ठीक है ब्रदर, मैं आपको BFS का फॉर्म भेज रहा हूँ, जिसमें आप फॉर्म भरकर भेजेंगे, ऑफिस का नंबर भी मैं प्लेस कर रहा हूँ। जिन किसानों को BFS चाहिए, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, यह है बी किसान की एक प्रणाली है, वह आप 9754838222 इस नंबर से आप बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर मंगवा सकते हैं। पूरे भारत के किसी कोने में भी आप रहते हैं केले के लिए। दूसरा, सोनू जी मैं आपको भी एक HTML फॉर्म भेज रहा हूँ, जो फॉर्म भरकर आप सबमिट करेंगे तो हो जाएगा। इसका हमने एक छोटा सा नॉमिनल चार्जेस रखा है, एक पौधे का 1 रुपया साल भर के लिए, केवल एक बार आपको पेड करना है, 1 रुपया प्रति प्लांट के हिसाब से पेड करना है साल भर का एक बार, जिसमें आपको हर 15 दिन का वीडियो बना के भेजना है। 1 तारीख को वीडियो भेजना है और 15 तारीख को वीडियो भेजना है। महीने में 2 बार आपको वीडियो भेजना है आपकी खेत की प्रोग्रेस रिपोर्ट का। आपकी ID नंबर आएगी, उस ID नंबर को उस वीडियो में प्लेस करना है, बोलना है आपका नाम, एड्रेस बोलना है, जिस हिसाब से अभी आपने वीडियो बना के भेजा है, ऐसा ही एक वीडियो हर 15 दिन में भेजना है। बी किसान ऑफिस से आपको एक फिक्स्ड शेड्यूल आएगा सॉफ्टवेयर का, लेकिन वीडियो जो 15 दिन में आएगा उसे हम देखेंगे और एनालिसिस कर समझेंगे कि इसमें चेंजेस करना है या ऐसे ही चलेगा। यह एक बैलेंस फर्टिगेशन संतुलित खाद की प्रणाली है। अगर आप रेसिड्यू फ्री पर जा रहे हैं, हाँ ये सभी को सुनना समझना जरूरी है, अगर आप रेसिड्यू फ्री पर जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 22 रुपये 50 पैसे प्रति पौधे के खर्चे में हम 365 दिन 330 दिन का शेड्यूल हम रेकमेंड करते हैं रेसिड्यू फ्री में, जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड खेत में नहीं डलवाते हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र डायरेक्ट खेत में नहीं डलाते हैं, वह पहले ही खेत के बाहर पकाया जाता है फिर खेत में डलता है। मतलब हम एक तो जो उत्पादन लेंगे 25 से 35 किलो प्रति प्लांट से लेंगे, और उसमें खर्च कर रहे हैं 22 रुपये 50 पैसे प्रति पौधे पर फर्टिलाइज़र का। इसका मतलब हुआ 80 पैसे किलो, हेलो 80 पैसे पर केजी का हमारा प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा, और उसमें 100 पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र मुक्त हम रेसिड्यू फ्री फल फ्रूट अन्न मार्केट में पब्लिक को खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। यह बहुत ही अच्छी मुहिम बी किसान स्मार्ट फार्मिंग रन कर रहा है। पूरे भारत के केला किसान आकर जुड़ सकते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग में, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बहुत किसान लाभ ले रहे हैं। किसान पाठशाला का यूट्यूब चैनल है, जहां पर 1200 से ज़्यादा वीडियोस हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। यह निःशुल्क प्रोग्राम है, गूगल पर डालना है किसान पाठशाला, सिंपल सी थीम है, यूट्यूब पर डालना है किसान पाठशाला लिखना है, सारा डेटा हमारे बारे में आ जाएगा, हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किसानों के बीच में कैसे रन हो रहे हैं। जिन किसानों को ये बाइट अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए, ताकि पूरा देश स्वस्थ भोजन खा सके, रेसिड्यू फ्री भोजन खा सके। और हाँ, कोविड के कारण जैसा रेट में गड़बड़ी आई है, और भी आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ आती है, तो अगर हम 80 पैसे प्रति केजी के खर्चे में केले का उत्पादन कर रहे हैं और हमारा केला 2 रुपये किलो भी बिक रहा है, तो 1 रुपये 20 पैसे केजी का हमें प्रॉफिट आएगा, और 1 एकड़ से कम 25 से 35 टन का उत्पादन होता है, ये निश्चित है। 25 टन मिनिमम, मैक्सिमम, एक ओवरऑल एवरेज 25 से 35 टन, और जो दक्षिण भारत वाले हैं वो 50 टन के लगभग एवरेजन उत्पादन ले रहे हैं। और अगर आपको 1 रुपये 20 पैसे केजी का उत्पादन खर्च बचता है, 25 टन का उत्पादन आया है,
तो ये आपका 35,000 नेट प्रॉफिट होता है अगर आप 2 रुपये केजी बिक्री कर रहे हैं माल। तो सबसे बॉटम रेट COVID-19 में जो महामारी में गड़बड़ी हुई उसमें भी 2 रुपये किलो से नीचे रेट नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ किसान खर्च आधा और उत्पादन ज़्यादा की मुहिम में पूरे भारत के केला किसानों ने शामिल होना चाहिए। थैंक यू। मैं बलराम किसान, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को केला किसान तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यापारियों तक शेयर करो ताकि आपके घर में आकर, आपके गांव में आकर वो रेसिड्यू फ्री केला अच्छे दामों पर खरीदने की पहल कर सकें। थैंक यू।